हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सभी होप करता हूँ आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस यार देखो, आज की वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि तुम अपने पीसी और लैपटॉप में स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड कहाँ से जाके क्लेम कर सकते हो। गाइस जैसे तुम्हें पता ही होगा इस गेम का कितना प्राइस है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के करीब का ये गेम है। और यार हर बंदा यार इस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो बंदे इस गेम को खेलना चाहते हैं बट स्टिल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है यार देखो, आज की वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ ना, तुम एकदम रियल जेन्युइन वर्जन स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड अपने पीसी या लैपटॉप में क्लेम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या इसे मेहनत तो नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पे तुम्हें गेम्स ही खेलना है। गेम्स खेल के तुम ये चीज़ अपने डेस्कटॉप पे क्लेम कर सकते हो, इस गेम को क्लेम कर सकते हो। तो यार देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार देखो, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए वीडियो तुम्हें एंड तक देखना पड़ेगा विदाउट स्किप के। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो यार चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें गेम्स खेलने हैं, ठीक है। गेम्स खेल के तुम पॉइंट्स अर्न करोगे। पॉइंट्स अर्न करने के बाद यहाँ पे तुम अपने स्टीम के वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, जो कि तुम अपने स्टीम वॉलेट में ऐड कर सकते हो। उसके थ्रू तो यहाँ पे तुम जो भी गेम्स खरीदना चाहो अपने हिसाब से खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा, जैसे $10, $20, मतलब उस वाउचर को तुम क्लेम करके और कोई भी गेम को खरीद सकते हो। वैसे जैसे $20 आपको एक बार मिला, वैसे आप दोबारा खेलोगे, दोबारा कलेक्ट करोगे, तो करते करते आप अपना अमाउंट जितने की गेम है आपकी उतना कलेक्ट करके अपनी गेम को परचेज कर सकते हो। तो क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको एक वेबसाइट डाउनलोड करना पड़ेगा, बफ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जैसे वेबसाइट देख रहे हो, इसे तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कहाँ से जाके इसे डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जिसका नाम बफ है। इसे तुम यार जाके क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बस वहाँ पे तुम सर्च करना बफ, आपके सामने पहला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जाके इसे नॉर्मली डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम चेक कर सकते हो, मैंने इसका लिंक वहाँ पे दे दिया है। जैसे डाउनलोड कर लोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो देख रहे हो पॉइंट्स को आपको अर्न करना है। यहाँ पे आपको डेली स्पिन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डेली स्पिन्स कर सकते हो। ये जो कॉइन देख रहे हो आपको, ये कॉइन कलेक्ट करना है। यही कॉइन कलेक्ट करके तुम अपनी वॉलेट परचेज कर सकते हो, रिडीम कोड वहाँ से परचेज कर सकते हो स्टीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 0.5 जो डॉलर है मैंने कलेक्ट कर लिया है, आई मीन इसका जो पॉइंट है मैंने कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हें गेम्स कैसे खेलने, गेम्स खेल के कैसे पॉइंट अर्न करना है, उसके बाद कैसे वाउचर खरीदना है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, गेम्स खेलने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से गेम्स आप खेल सकते हो। तो यहाँ पे डेस्कटॉप गेम्स गाइस यहाँ पे बहुत सारे हैं, वैलोरेंट हो गया, फोर्टनाइट हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया। यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपली सा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, गेम्स जैसे आप खेलोगे, जैसे वैलोरेंट खेलोगे, तो वैलोरेंट खेलते समय आपको क्या करना है, आपके बैकग्राउंड में ये जो बफ गेम देख रहे हो, ऐसे मैं कट कर दे रहा हूँ, बफ गेम जो देख रहे हो इसे आपको अपने बैकग्राउंड में रन होने देना है, रन होने देना है। जैसे आप वैलोरेंट खेल रहे हो, वैलोरेंट में जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाला है। अर्निंग कहने का मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट इंक्रीज होने वाला है। जैसे आप वैलोरेंट में किसी को हेडशॉट मारते हो तो उसका आपको उस तरह का पॉइंट मिलेगा, आई मीन उस तरह का पॉइंट मिलेगा, हेडशॉट का आपको मतलब ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। आप बंदे मार रहे हो उसका आपको पॉइंट मिलेगा, आप गेम खेल रहे हो उसका भी पॉइंट मिलेगा। मतलब जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो गेम में उस हिसाब से यहाँ पे आपका कॉइन इंक्रीज होने वाला है। बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपना गेम रन कराना है। गेम रन कराते समय इस बैकग्राउंड में इसे आपको बफ गेम को रन होने देना है, रन होते रहेगा, यहाँ पे आपका कॉइन इंक्रीज होते रहेगा। मैंने आपको गेम दिखा दिया कौन कौन से यहाँ पे गेम्स है, वैलोरेंट, फोर्टनाइट, बहुत सारे गेम्स है, पबजी भी हो गया, डोटा टू भी हो गया, वॉरजोन भी हो गया। आप जो गेम खेलते हो बस आप अपने गेम को रन करा देना, बैकग्राउंड में इसे रन होने देना है, और गेम में जैसा परफॉर्म करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपका कॉइन इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, जैसे कॉइन आपने इंक्रीज कर लिया, अब उसके बाद आप यहाँ से वॉचर कैसे खरीदोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ अपने मार्केट प्लेस के ऑप्शन में। मार्केट प्लेस के ऑप्शन में तुम जैसे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे मेरे मार्केट प्लेस के ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे रिडीम कोड वगैरह आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कैसे रिडीम क्लेम करना है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करते रहूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे वाउचर कार्ड भी मिल जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे वैलोर, आई मीन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे GTA 5 भी है। तो GTA 5 यहाँ से तुम क्लेम कर सकते हो, कितने कॉइन कितने कॉइन अर्न करके, यहाँ पे आपको 2900 कॉइन अर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब 2900 कॉइन आपको अर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आके तुम इस गेम को यहाँ से परचेज कर सकते हो। परचेज करने का मतलब
यहाँ से तुम क्लेम कर सकते हो। बस आपको गेम खेलना है, गेम खेलते खेलते इस कॉइन को आपको अर्न करना है। अर्न करने के बाद, इंक्रीज करने के बाद यहाँ से आकर तुम GTA 5 को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम्हें आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा होगा क्योंकि मैं ये वीडियो रात की 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये गेम या गेम जो देख रहे हो ना, अगर आप इंडिया से हो, ऑब्वियसली बात इंडिया ही से होगे, तो यार तुम ये चीज़ दिन में ट्राई करना। यहाँ से कुछ भी परचेज करोगे तो सुबह के टाइम पे परचेज करना, उस टाइम में आपको ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखेगा, उस टाइम यहाँ से तुम नॉर्मली आके परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम जैसे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे तुम कॉइन इंक्रीज कर लोगे तो यहाँ से तुम GTA 5 भी क्लेम कर सकते हो। जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट भी मिल जाएगा, बहुत सारे गेम्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको स्टीम का वाउचर भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको $5 का स्टीम का वाउचर मिल रहा है, जो कि प्रीमियम प्राइस में मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रीमियम कॉइन भी है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कॉइन। लेकिन यार देखो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, मैं नीचे करके और आपको वाउचर दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे तुम्हें जैसे प्रीमियम प्राइस में यहाँ पे $5 मिल रहा है स्टीम वॉलेट में, वैसे आपको नॉर्मल प्राइस में भी $10-$20 अवेलेबल मिल जाता है। बट स्टिल मैं अभी रात के टाइम में शायद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक वगैरह हो गया। आप सुबह के टाइम में आकर इसमें चेकआउट करना, आपको जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट मिल जाएगा, बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वाउचर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, $20, $10, $30 नॉर्मल प्राइस में। यहाँ पे आपको कोई प्रीमियम प्राइस खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम कॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आओ यहाँ पे फटाफट गेम खेलो, गेम खेल के यहाँ पे जो कॉइन है वो अर्न करो। कॉइन अर्न करने के बाद आपको जो भी गेम परचेज करना है वो गेम परचेज कर लो, या फिर आपको स्टीम वॉलेट में अपने पैसे ऐड करने वो करके कोई भी गेम आप परचेज कर सकते हो। तो यार देखो, बहुत सिंपल सा स्टेप था, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस गेम्स ही खेलना है। गेम्स खेल के तुम अपनी गेम्स को परचेज कर सकते हो। तो यार देखो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, और चैनल पर नहीं तुम्हें पता ही, चैनल को क्या करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब मेरे भाइयों, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो गाइस यार मिलते हैं तुम सही से एक और डिफरेंस ब्रांड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।